हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके टेक्निकल पॉइंट। आज के टॉपिक हम जानेंगे स्टेगनोग्राफी के बारे में। स्टेगनोग्राफी क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी में ये डेटा को सेंडर टू रिसीवर शेयर करने में कौन सा प्रोसेस यूज करता है और इसका क्या मेथड है, डेटा को किस तरह से सेव करता है किसी भी अटैकर से, किसी भी हैकर से, अगर यहाँ पे स्टेगनोग्राफी का यूज होता है। इससे पहले हमने जाना था क्रिप्टोग्राफी के बारे में, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, उस तरह उसमें भी डेटा को सिक्योर में किस तरह से सेंडर टू रिसीवर भेजा जाता है, उसके मैंने उस पर काफी सारी वीडियोज बना रखी है और उसका जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आप प्लेलिस्ट पे जाके उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आज के टॉपिक में स्टेनोग्राफी के बारे में जानेंगे, इसका प्रोसेस क्या है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टॉपिक को स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। स्टेगनोग्राफी यानी कि स्टेगनोग्राफी एक प्रोसेस है जिसमें डेटा को सिक्योर वे में हम सेंडर टू रिसीवर सेंड करते हैं। पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। बेसिक्स क्या है, इन्फॉर्मेशन हाइड कवर्ड सीक्रेट राइटिंग, यानी कि जो भी हम ओरिजिनल डेटा जो भेजते हैं इसमें सेंडर टू रिसीवर, उसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल हमारा डेटा होता है उसको कवर्ड करके, उसको कंसील करके, उसको हाइड करके हम रिसीवर के पास भेजते हैं। यानी अगर हम कोई भी डेटा भेज रहे हैं तो उसके पास एक्स्ट्रा डेटा लगा देंगे और उसको फिर रिसीवर के पास भेज देंगे, ताकि जो बीच में अटैकर आएगा उसको पता नहीं चलेगा वहां पे कि इसके अंदर ओरिजिनल डेटा कौन सा है। अगर कोई इमेज भेज रहे हैं तो वहां पे उस इमेज को, ओरिजिनल इमेज को किसी दूसरी इमेज के अंदर डाल के भेजते हैं, ताकि या फिर उस इमेज के और पास कुछ एक्स्ट्रा ऐसा लगा देते हैं ताकि जो अटैकर है उसको पता नहीं चलेगा कि ओरिजिनलिटी इसके अंदर क्या है, कौन सी ओरिजिनल इमेज यहाँ पे शेयर की जा रही है। इन द प्रैक्टिस ऑफ कंसीलिंग ऑफ मैसेज फाइल इमेज विद एक्स्ट्रा फाइल इमेज एंड मैसेज, यानी कि इसका प्रोसेस यही है, इसमें जो भी हम ओरिजिनल डेटा, जो भी मैसेज या जो भी फाइल भेजते हैं उसको किसी दूसरे फाइल के अंदर, किसी दूसरे एक्स्ट्रा डेटा के द्वारा या किसी दूसरी इमेज के अंदर हम डाल के सेंडर के, सॉरी रिसीवर के पास सेंड करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारा सेंडर है यहाँ पर, एक यहाँ पर रिसीवर है, अब हमारे पास ये डेटा है यहाँ पे, तो उसमें डेटा को हम क्या करेंगे, इसको अनदर डेटा से यहाँ पे कवर कर देंगे। अब इसके पास हम यहाँ पे इसको रिसीवर के पास सेंड करेंगे, बीच में यहाँ पे अटैकर बैठा हुआ है, जब अटैकर इसको देखेगा तो देखेगा कि यहाँ पे इसको पूरा जो डेटा है ये किस तरह से कवर्ड है। अब ये इस ओरिजिनल जो हमारा ये बॉक्स है, जो डेटा है, इसको ये पहचान नहीं पाएगा कि यहाँ पे ओरिजिनल डेटा कौन सा है, तो इसको ऐसे चाहने देगा। अगर पहचान भी, अगर इसको ये डिटेक्ट भी करना चाहेगा तो उसको काफी मुश्किल होगा, इसीलिए डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे ये काफी इसको कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू क्रिप्टोग्राफी में। ये स्टेनोग्राफी क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है क्रिप्टोग्राफी की तुलना में, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही डेटा सेंडर रिसीवर के पास जाएगा तो रिसीवर इसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, लेकिन जो अटैकर है उससे बचाने के लिए हम अपने डेटा को, अपने मैसेजेस को एक्स्ट्रा डेटा के द्वारा, एक्स्ट्रा फाइल्स के द्वारा या किसी दूसरी इमेज में डाल के उसको भेजते हैं। अगर इमेज है तो, अगर मान लो कोई इमेज हमें शेयर करनी है, ठीक है, ये इमेज है, अगर इसको हमें सेंडर के पास भेजना है तो हम क्या करेंगे, इस इमेज के पास कोई और दूसरी इमेज बना देंगे इधर इधर इधर, और इससे क्या होगा, जो अटैकर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ओरिजिनल डेटा इसमें कौन सा है, वो ओरिजिनल डेटा को नहीं पहचान पाएगा। तो हमारा क्या है, हमारा जो डेटा है वो रिसीवर के पास एक सेफ वे में पहुंच जाएगा, जिससे रिसीवर के पास पहुंच जाएगा, रिसीवर जान जाएगा इसमें कुछ सस्पेंसेस मैसेज है, कुछ सस्पेंस है, यानी ओरिजिनल डेटा इसके अंदर छिपा हुआ है, ये सारा जो डेटा आया ये ओरिजिनल नहीं है, इसके अंदर ओरिजिनल डेटा कुछ छिपा हुआ है, तो वो सस्पेंस को क्लियर करेगा और वहां पर ओरिजिनल डेटा उसको मिल जाएगा। जैसे ही क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टो एनालिस्ट होते हैं, ऐसे ही स्टेगनोग्राफी में स्टेगनोग्राफी एनालिस्ट होते हैं, वो उस डेटा को वहां पर डिटेक्ट करते हैं। अब ये क्या है, क्रिप्टोग्राफी तुलना में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्रिप्टोग्राफी से कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, इसमें सिक्योरिटी ज्यादा है। इसमें हम जो भी डेटा हमारा ओरिजिनल होता है उसको किसी एक्स्ट्रा डेटा के साथ कवर्ड करके, कंसील करके या हाइड करके, या फिर जो फाइल भेज रहे हैं उसको किसी दूसरी फाइल के साथ हाइड करके, या जो भी हम इमेज उसमें शेयर करते हैं उसको किसी दूसरी इमेज के साथ हाइड करके, या ओरिजिनल इमेज के पास कुछ एक्स्ट्रा इमेज लगा के भेजते हैं, ताकि अटैकर जो होता है उसको ओरिजिनल डेटा या ओरिजिनल फाइल का हमें पता ना चल सके कौन सा ओरिजिनल डेटा है। अगर उसको डिटेक्ट भी करना चाहेगा तो इजिली उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और जब वो रिसीवर एंड पे जाएगा तो रिसीवर वहां पर जान जाएगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ सस्पेंस छिपा हुआ है, तब वो सस्पेंस को क्लियर करेगा, और जो भी हमारा वहां पर स्टेगनोग्राफी एनालिस्ट होंगे वो वहां पर उस डेटा को डिटेक्ट करेंगे, यानी कि उस सस्पेंस को डिटेक्ट करेंगे और ओरिजिनल डेटा उनको रिसीव हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे स्टेगनोग्राफी में ये होता है, डेटा को ओरिजिनलिटी को तो वहां पर छिपाया जाता है, हाइड किया जाता है किसी एक्स्ट्रा डेटा या इमेज या फाइल्स के द्वारा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।